अच्छा जाटों को साधने की कोशिश तो आप भी कर रहे हैं, अब आरएलडी आपके साथ है, कितना दे पाएंगे उनको या क्या कुछ बातचीत हो रही है सीटों को लेकर? जाट और किसान एक है, किसान के अंदर ही जाट है और किसान को जितना बर्बाद भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसान को क्या चाहिए? दाम, जो किसान फसल पैदा करता है तो फसल का दाम चाहिए। दाम दो साल से, चुनाव से पहले मजबूरी थी गन्ने का भाव बढ़ाना, पिछले दो साल से गन्ने का एक रुपया भाव नहीं बढ़ाया, डीजल का भाव बढ़ गया, खाद का भाव बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, किसान की लागत दुगनी हो गई, लेकिन किसान का एक रुपया भाव नहीं बढ़ाया, किसान की आमदनी कैसे दुगनी होगी? अभी आप कह रहे थे कि हमने किसान का यह कर दिया, जब किसान के भाव बढ़ाने की बात आती है, ऐसी हालात पैदा हुई कि यूक्रेन युद्ध के बाद गेहूं की कीमत बढ़ेगी, लेकिन जब गेहूं की कीमत बढ़ने लगी, बाहर से डिमांड आने लगी, तो उसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी। ऐसा मौका आया कि चावल की कीमत बढ़ेगी, जब चावल की कीमत बाहर से डिमांड आई, चावल के ऊपर पाबंदी लगा दी ताकि किसान का भाव ना बढ़े। अभी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, अभी चीनी के ऊपर गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, गन्ने का भाव बढ़ जाए चीनी का भाव ना बढ़ जाए, गन्ने से जो इथेनॉल बनता था, इथेनॉल जब अगर चीनी का इथेनॉल बनेगा तो किसान को फायदा होगा, हमने ये योजना चलाई थी पहले से, इथेनॉल के ऊपर पाबंदी लगा दी कि सीधा गन्ने से इथेनॉल नहीं बनेगा। ये हर तरीका की वो योजना बनाते हैं जिस योजना से किसान का भाव ना मिले, किसान बर्बाद हो जाए, और चुनाव में चाहे जाट हो चाहे किसान हो, 24 के चुनाव में किसान इनको सबक सिखाएंगे। अगर जाट आपके साथ हैं तो देखिए आप पर तो कितने गंभीर आरोप लगे, उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ तो कहा आपने जाट का अपमान कर दिया, आप आरएलडी को अपने साथ लेकर आए, कितनी सीटें उन्हें दीजिएगा ये भी तो नहीं बता रहे। एक बात बता दूं मैं आपको, झुका हुआ जाट, टूटी हुई खाट, मैं ऑब्जेक्शन करूंगा, घिसा हुआ बात, जाति का अपमान कर रहे हो, घिसा हुआ बात। अगर कोई जाट, अगर कोई झुक जाता है किसी शासक के सामने, अगर खाट टूट जाती है, अगर बात किलो से अपने वजन से कम हो जाए, अपने वजन से कम हो जाए, उसको जाट अपना नहीं मानते, नहीं रखते आप राजनीति में, इतना डूब गए हैं कि आप पद का भी सम्मान नहीं रखते। संवैधानिक पद क्या है, संवैधानिक पद, अगर उस संवैधानिक पद का सम्मान नहीं रखेंगे, उस संवैधानिक पद का सम्मान नहीं रखेंगे तो आप सवाल तो पूछे जाएंगे ना, कभी आप मिमिक्री करेंगे, कभी आप मिमिक्री करेंगे, कभी आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ये भी तो याद रखेंगे ना, सुन लीजिए, मिमिक्री और कार्टून कभी बेइज्जती का संबंध नहीं रहा। मुलायम सिंह यादव जी ने मिमिक्री करने वाले की जान बचाई थी उसका इलाज करा के, अखिलेश यादव जी ने अपने सभी कार्टूनों की किताब छपवा के लोगों ने दिखाई थी। सर संवैधानिक पद की बात कर रही हूँ, मैं संवैधानिक पद की बात कर रही हूँ, मेरे पास मैं संवैधानिक पद की बात कर रही हूँ कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है कम से कम उसका तो सम्मान करिए। मेरे पास समय इतना ही है लाठर जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, मेरे पास इतना ही समय, मेरे पास मुझे मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली, बहुत छोटा सा, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सुन ली लाठर जी, मैंने आपकी बात सुन ली, आपने दो बार मेरे सवाल को टाल दिया। आप बताइए ना जयंत चौधरी को कितनी सीटें दे रहे हैं, जाटों का इतना सम्मान है तो लोकतांत्रिक है और हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर करता है। ठीक, में पंचायत व्यवस्था है, मेरे पास समय की कमी है लाठर जी, मेरे पास समय की कमी है, समय बस मेरे पास इतना ही है, बहुत जल्दी से चार जी, पंचायत चाहिए लाठर जी प्लीज, नहीं हटाया जाता, बैठो सांसदों को निलंबन करना, कभी लोग नहीं हो सकता, अब रुक जाइए थोड़ा सा, बात रख दूं, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा सर, मेरे पास समय की कमी है, दूंगा दो मिनट, इतना तो दीजिए जितना इन्होंने प्रश्न किए हैं उनका जवाब मैं दे पाऊं। सबसे पहले तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे साहब, ये इनका कहना है, आप रेशो उठा के देख लीजिए, कोई भी विद्वान आदमी रेशो उठा के देख सकता है, एमएसपी को किसी भी फसल की, चाहे खरीफ की हो चाहे रबी की हो, 50% से लेके 100% तक एमएसपी को बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्वामीनाथन आयोग कितने बड़े एक जानकार थे किसानों के बारे में, जिन्होंने एक आयोग बना, आयोग की रिपोर्ट पेश की गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में कांग्रेस की, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उनके टेबल के नीचे धूल फांकती रही जो किसानों के हित के लिए लाई गई थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करने का काम सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया किसानों के हित के लिए। ठीक,
अब मैं आना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। सर बहुत छोटे में कहिएगा, छोटे से मैं कहूंगा, आप चिंता मत करिए। मैं जाति के विषय पर बात नहीं करता कभी जिंदगी में। देश के उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति आदरणीय धनगढ़ साहब, उनके जो झुका हुआ ये बोल रहे हैं, आपने देखा होगा उनका शारीरिक स्ट्रक्चर, उम्र के किस पड़ाव पर वो हैं। गांव में अगर कोई बुजुर्ग ऐसे झुक जाए तो उसे झुका हुआ जाट बोलोगे, उसका अपमान करोगे। मेरी बात पूरी बात सुनिए मेरी, आप शब्द नहीं बोल सकते। मैं शरीर आपको जाट बिरादरी से भी माफी लेकर नहीं कह रहा। दूसरी बात, मैं शरीर को नहीं, शासन के प्रति झुका हुआ कह रहा हूं। मैं बोलता नहीं आपके बीच में, मेरे पास चार्ज में आपको बीच में रोक रही हूं। पूरी बात चार्ज में आपको बीच में रोक रही हूं। देखिए, जाट को तो आप भी बीच में लेकर आए ना, आपने भी उपराष्ट्रपति की जाति बताई, आपने भी उस पर राजनीति करने की कोशिश की। कभी राजनीति भारतीय जनता पार्टी जाति को लेकर नहीं करती। जो जातियों के आधार पर पार्टियां हैं उनका चल ही जीवन जातियों से रहा है, वो करते होंगे राजनीति जाति की। सर अब मुझे खत्म करना है, सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट मेरी पूरी बात प्लीज। सर मैंने आपको बहुत सारा समय दे दिया, समय मेरे पास इतना ही है। अच्छा, आधी मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता हूं। देश के उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद, उनकी मिमिक्री पार्लियामेंट के गेट पर बैठकर विपक्षी घमंडिया गठबंधन के सांसद, ठीक,